वेलकम वेलकम एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक है पिज्जा हाउस जो हमने पिछली वाली वीडियो में बनाया था। ओके मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर भाई काफी मस्त मस्त काम चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला पिज्जा हाउस जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, इसके अंदर तो भाई अभी तक मैंने कुछ नहीं रखा था। तो बेसिकली अब मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर एक बेड। मस्त है भाई, यहाँ पर बेड हमने रख दिया और इस पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते। और अब बार ये मुझे एक विलेज ढूंढने की, यहाँ पर मैं अपना सामान वगैरह रख कर जाता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल और ये मेरा बहाना, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ शीप ही रखी थी। और ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा, बस मेरे पास 13 इनगेट है भाई आयरन के। तो वैसे मैं यहाँ पर अपनी जो वुड है वो स्टोर कर लेता हूँ और बाकी सारी इन्वेंटरी स्टोरेज मतलब जो भी है भाई वो कर कर चलते हैं। वैसे रात ना हो जाए उससे पहले तो भाई मैं फाउंड करता हूँ, बट मैं किधर को जाऊँ मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर मेरा स्पॉन पॉइंट है और उसके सामने मैंने भाई अपना घर बना लिया, क्योंकि अगर मैं जिंदगी में ऐसे भी मर जाऊँगा बेड के बिना भी तो भी मैं वहाँ पर जाकर स्पॉनिंग होऊंगा। और यहाँ पर भाई मेरा विलेज तो पहले मतलब मेरा घर तो भाई सामने ही है, वो मुझे दिख जाएगा, बट आगे कहीं घूम कर आते हैं। और इतनी दूर वो क्या चमक रहा है, ये गोल्ड, ये मत कह देना भाई ये गोल्ड ब्लॉक। और भाई ये रुइंड पोर्टल है, वो दो दो गोल्ड ब्लॉक, वो भाई चेस्ट भी है, चेस्ट ढूंढते हैं। इसमें चेस्ट में क्या होगा गाइस, देखते देख भाई साहब गोल्डन एप्पल, ये क्या है फॉर्चून। और पिकेक्स नहीं है भाई, मुझे लगा पिकेक्स है भाई, शबल है। और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत फ्लिंट एंड स्टील है, लो भाई रख लेते हैं। तो फ्लिंट एंड स्टील तो भाई मैंने रख लिया है। और यहाँ पर ये रुइंड पोर्टल मेरे को मिल चुका, व्हाट भाई वहां पर विलेज भी है और रात भी होने लग चुकी है भाई, सुबह ही चलते हैं। तो गाइस मैंने सोचा भी नहीं था भाई यहां पर मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा, बट मैं यहां से पहले तो भाई गोल्ड का ब्लॉक तोड़ता हूं। तो ऊपर भाई गोल्ड के ब्लॉक इधर इधर चाची नीचे आओ, पहले थोड़ा सा नीचे आना, इधर गया ऊपर रह गया, तो भाई मैं ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है ये देख। बट अब बारी है मुझे ये वाला गोल्ड का ब्लॉक तोड़ने की, तो लेट्स गो गाइस यहां से ये वाला गोल्ड का ब्लॉक भी तोड़ लेते हैं। और मेरे पास हो चुका है दो गोल्ड के ब्लॉक, भाई मजा आ गया भाई, सारा का सारा काम तो मस्त हो चुका है। और यहां से अब जो बेड था हमारा उसे भी तोड़ लेते हैं भाई, रिस्पॉन पॉइंट रीसेट करना है, यहां पर तोड़ना है इसे, तो इसे भी साथ लेकर। और विलेज भाई मिल चुका है जो मैंने ढूंढना था भाई, बहुत ही मुश्किल से विलेज मिलते हैं और मुझको भाई आसानी से भाई यहां पर पास ही भाई। अगर सीड कोई चाहता ना कि भाई मुझे सीड दे दो, तो भाई अभी सीड दे देता हूं मैं, अभी नहीं देता मतलब बाद में दे देंगे किसी ना किसी दिन। तो गाइस यहाँ पर विलेजर है और काफी मस्त मस्त यहाँ पर काम चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर मस्त मस्त खेत आ चुके हैं इनके, जो काफी ज्यादा मजेदार लग रहे हैं मेरे को। और यहाँ पर खेती कर भी रहे हैं भाई ये देखो, गाइस आपने विलेजर को खेती करते हुए देखा कभी पहले? ये देखो। अरे चोर आ गया है, फसलें तोड़ लो अपनी, चलो तोड़ तोड़, कुछ खाली नहीं रहना चाहिए, तोड़ दे, बहुत बढ़िया। वैसे बेच क्या रहे हैं, अगर बेच मैं देखता हूँ तो गाइस ये बेच रहे हैं 20 वीट के 1 एमराल्ड, ओ भाई बढ़िया कर रहे हैं। ओ पता है मुझे 20 वीट के, और वीट इन्होंने तोड़ भी दिया भाई, अभी वीट मुझे चाहिए था यार, मतलब यहाँ से मैं गाइस इनके वीट तोड़ लेता हूँ। और वीट से मुझे नहीं यार मतलब मैं तोड़ ही नहीं रहा भाई, मैं इधर हूँ। हाँ ले भाई तू, मैंने अपनी जिंदगी की पहली ट्रेड करनी है, बस ज्यादा नहीं ले रहा तेरे से एमराल्ड वेमराल्ड। हाँ तो गाइस आप मुझे कमेंट वो ब्रेड भी दे रहा है भाई, एक एमराल्ड का ब्रेड दे रहा है, बहुत तगड़ा बंदा है, यहाँ से मैं इतने ब्रेड बना सकता हूँ कोई हिसाब नहीं ले से है। तो गाइस इस विलेज का बहुत ही तगड़ा रहस्य हो चुका है, यहाँ पर 6 घर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घर। और गाइस यहाँ पर 6 घर है और एक स्टोन वाला हाउस होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, जहाँ पर ड्रॉइंग स्टैंड भी रखा होता है, वो इसमें है ही नहीं। और साथ ही में साथ जो स्मिथर का होता है, जो स्मिथिंग का होता है, जो भाई हमारे से टूल ट्रेड करता है, उसका घर भी नहीं है। और यहाँ पर 6 घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 विलेजर है, 3 तो भाई ये फार्मर ही है और तीनों के तीनों फार्मर है, और चौथा भाई वो मछली पकड़ने वाला ये वाला बंदा भाई, और कोई यहाँ पर नहीं है। भी एक अपने आप में एक रेयर विलेज है, कि मतलब ऐसा काफी लोगों को शायद ही मिलता होगा, मेरे को भाई मिला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इनके घरों में एक भी चेस्ट नहीं है, मैं सभी घर में देख कर आया हूँ, तो एक भी चेस्ट मुझे दिखी नहीं इस विलेज में। ये भी एक रेयर ही है भाई, ये भी एक रेयर चीज है, शायद ही किसी को दिखी होगी आज तक। तो वैसे ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई यहाँ से नीचे, इस जगह पे बस ये घंटी आई भी लेकर चलते हैं भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।